ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के बीच टक्कर का आज छठा दिन है और पांच दिनों में ही बॉक्स ऑफिस ने करीब करीब ये दिखा दिया है दोनों की फैन फॉलोइंग में कितना अंतर है। मोहनजोदारो और रुस्तम दोनों में ही कुछ ऐसी बातें थी जो फैंस के लिए अच्छी साबित हो सकती थी, वहीं दोनों में कमियां भी काफी थी, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। माना जा रहा है कि अक्षय कुमार को स्वतंत्रता दिवस का फायदा बखूबी मिला है। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम ने पहले और दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर जहां 14.11 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन 16.43 करोड़ का कारोबार किया। रुस्तम की तीसरे दिन की कमाई रही 19.88 करोड़, चौथे दिन 18 करोड़ और पांचवे दिन भी कमाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिल्म ने पांचवे दिन कमाई 12 करोड़। इस तरह से फिल्म ने अब तक कुल 80.43 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं अगर ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो की बात की जाए तो फिल्म ने अब तक 52.59 करोड़ की कमाई की है। आपको बता दें कि रुस्तम को सिर्फ 2300 स्क्रीन्स पर भारत में रिलीज किया गया है, जो कि एयरलिफ्ट और हाउसफुल 3 से बेहद कम है। स्क्रीन्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 दिन की कमाई को शानदार कहा जाएगा। रुस्तम के सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया का भी कमाई पर अच्छा असर पड़ने वाला है। आपको ये भी बता दें कि रुस्तम KM नानावटी मामले पर आधारित है, जबकि गोवरिकर की मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है।